हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज हम एक छोटे छोटे स्नैक्स बनाते हैं। स्नैक्स हम काजू के रूप में बनाएंगे। ये काजू ड्राई फ्रूट्स वाले काजू नहीं, हम मैदा वाले काजू बनाएंगे। मैदा के काजू बनाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। शाम के स्नैक्स के रूप में हम इसे खा सकते हैं और बहुत स्वाद प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे खाने में ये। आइए अब काजू का बैटर बनाना हम शुरू करते हैं। जो हमने एक बाउल भर के मैदा ली है और हाफ बाउल हमने इसमें सूजी लेकर इसको छान के ले लिया है। इसमें हम 1 स्पून नमक डाल देंगे और अपने टेस्ट के अनुसार आप जितना चाहें नमक डालें। क्रश करके ये अपनी अजवाइन डाल देते हैं। इसे क्रश करके डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये टूट जाती है क्रश करने से और इसका स्वाद अच्छा होता है। इसे हम साइड कर देंगे। अब हम अपना बैटर बनाना तैयार करते हैं। अच्छे से इसे मिलाकर ये मोहन हम 2 बाउल मोहन डाल देंगे। मोहन हम थोड़ा थोड़ा डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अगर हमारा मोयन सही रहेगा और हमारा पानी सही पड़ेगा तो बैटर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। थोड़ा थोड़ा मोयन डालेंगे और चेक करते रहेंगे। दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिला लेंगे। अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो अजवाइन डालें, ना पसंद है तो आप ना डालें, इसे छोड़ भी सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिला लेना। मोयन को सारे मैदा में मिलाना बहुत जरूरी है। बेकिंग सोडा फ्रेंड्स, ये डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारे सॉफ्ट बनते हैं। ये बेकिंग पाउडर है, हमने पहले बेकिंग सोडा डाला था। 1 स्पून हम इसमें डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारे ये काजू बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम हल्के हाथ से अच्छे से मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मुट्ठियाँ बन रही हैं, हमारा मोहन बिल्कुल सही है। इसको हम सारी मैदा में अच्छे से मिला लेंगे। मोहन हमारा मिल चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मैदा को अच्छे से गूंथ लेंगे। टिकिया और काजू ये हमारे फेवरेट होते हैं जो हर घर में पाए जाते हैं। टिकिया तो हर घर में मिलती हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। ये काजू भी हम आपको बता रहे हैं इस तरह से आप काजू बनाएं, काजू भी बहुत टेस्टी बनते हैं। सारा बैटर हम अपना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बना लेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको हमने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से, ये थोड़ा टाइट ही बनेगा। इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आइए हम काजू का मसाला बना लेते हैं। काजू के ऊपर छिड़कने का कुछ हमने ये काला नमक लिया है, 1/2 स्पून काला नमक लिया, 1/2 स्पून, 1/2 स्पून हम प्लेन नमक ले लेते हैं। 1 स्पून खटाई लेंगे, अमचूर पाउडर हम ज़्यादा लेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे हम 1/2 स्पून, 1/2 स्पून काली मिर्च लेंगे, और ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी भी हम 1/2 स्पून लेंगे, थोड़ी सी लेंगे जिससे हमारा काफी कड़वा ना बने। इसे साइड कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
ये हमारा काजू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें सौंफ डालें, चाहें तो आप मैगी मसाला डालें, चाहें साउथ की तरह से आप अपना करी पत्ता डालें, आप किसी भी फ्लेवर का इसको बना सकते हैं। जिस फ्लेवर का आपको पसंद हो तो वो फ्लेवर आप डाल सकते हैं और उस तरह से बना सकते हैं। हमने ये चटपटा तीखा खट्टा ये काजू का मसाला बनाया। आप चाहें तो इसमें शुगर डाल के खट्टा मीठा भी फ्लेवर दे सकते हैं। ये मसाला हम साइड कर देते हैं। मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। बैटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। बैटर को हम दो पार्ट में ले लेंगे। आधे बैटर को ढक के रख देते हैं। इसको अच्छे से मसल के लोई बना लेते हैं। अच्छे से मसल के ये हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। गोल लोई बनाकर इसे हम बेल लेते हैं। इसमें हमें ऑयल या कुछ मैदा लगाने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी फैट है तो ये आराम से ही ये बेल जाएगा। इसे हम मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। फ्रेंड्स ढक्कन ले लें या कोई कटर मिल जाए तो कटर, इस तरह का कटर ले लें, नहीं तो आप घर में ढक्कन होते हैं बोतल का ढक्कन, तो उस ढक्कन को ले सकते हैं। पहले वाला हमारा वेस्ट हो जाता है। इससे भी बना के काजू को, सब काजू को हम रख लेंगे। काजू को हम थोड़ी लोई मोटी लें और इसकी देखिए आप थिकनेस मोटी रखें। अगर हम पतली बनाएंगे तो हमारा काजू परफेक्ट शेप में नहीं आएगा। इस तरह से हम ये काजू सब काट के अपने तैयार कर सकते हैं। काजू बनाने के बाद जो हमारा वेस्ट बच जाता है इसको भी हम इकट्ठा करके दोबारा बना सकते हैं। दोबारा हम इसको इकट्ठा करके दोबारा बेल के बना लें। हमारे सभी काजू बनकर तैयार हो गए हैं। आइए इसे हम अब फ्राई करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम लो करके थोड़े थोड़े काजू इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम लो रखें। एक बार में बहुत सारे काजू ना डालें, थोड़े थोड़े काजू डाल के ही हम इसे बनाएं। काजू हमारे ऊपर आ गए हैं, फूल के ये ऊपर आ गए हैं। इसको हम हल्के आंच से चला देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम स्लो पे ही रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे काजू किस तरह से बनकर तैयार हो रहे हैं। इसे हम हल्की आंच पे ही बनाएंगे। तेज आंच पे काजू हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से काले हो जाएंगे, ख़राब हो जाते हैं। काजू देखिए कितने परफेक्ट काजू बने हैं। पर थोड़ा सा से इसको हम और करारे करेंगे, एक कलर और डार्क करेंगे। काजू हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी शेप आई है। काजू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे स्ट्रेनर की सहायता से हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। काजू को हम डायरेक्टली बाउल में डाल देते हैं। जो मसाला हमने बनाकर रखा था उस मसाले को हम एक चम्मच मसाला डाल देते हैं और इसे टॉस कर लेते हैं।
मसाला हमें गरम गरम में ही डालना है। ये हमारे काजू बनकर परफेक्ट तैयार हो गए। देखिए फ्रेंड्स, एक काजू हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंदर से कितने क्रिस्पी हैं, खाने में भी बहुत कुरकुरे हैं। आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं, बहुत कुरकुरे हैं। आप इस तरह से इसको बनाइए और खाइए। काजू हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए काजू की परफेक्ट शेप है, इसकी मोटाई देखिए, बिल्कुल बाजार जैसे काजू का लुक लेते हैं। आप देख सकते हैं ये काजू बिल्कुल बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छा कलर आया है। आप इसे बनाइए, खाइए, हमारी तरह से हमारी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर दें। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।